इवनिंग एक और बार मैं हेमंत शुक्ल आप सब का स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम खड़े हैं चेम्बूर स्टेशन के एक जगह है और बाजू में ही है चेम्बूर स्टेशन के और इसका नाम है जीवन बोर्डिंग जो कि एक बहुत ही बढ़िया होटल है। एक अच्छा साउथ इंडियन फूड यहाँ पे मिलता है जो बहुत ही फेमस फूड है। आइए देखते हैं कैसे इसमें क्या होता है। आइए अभी हमें आप बताइए कि ये आपने जब बनाया कभी बनाया था, मतलब कौन से ईयर में? ये मेरे डैडी ने 1962 गोरनाकर सिटी में एक होटल चालू किया था सर। हाँ, वी आर ऑलमोस्ट इन दिस फील्ड ऑलमोस्ट 60 इयर्स हो गए। हम लोग प्योर वेज थाली सर्व करते हैं। थाली में अराउंड 3 वेजिटेबल्स रहते हैं और सांभर रसम दाल, 2 चपाती, चावल, चटनी, अचार, पिकल और कर्ड और स्वीट देते हैं। इसका स्पेशलिटी क्या बोले तो वी नेवर यूज ए रिफाइंड ऑयल, वी यूज कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल फॉर प्रिपरेशन ऑफ द फूड एंड वॉट एवर द फूड प्रिपेयर फॉर द सेशन। फॉर एग्जाम्पल लंच इज नॉट यूज फॉर द इवनिंग, मॉर्निंग सेशन एंड इवनिंग सेशन बोथ द आइटम्स विल बी डिफरेंट, इन द सेंस मेन्यू विल बी डिफरेंट एंड वी डोंट रिसाइकल द फूड एंड वी डोंट हैव ए फ्रिज टू कीप द फूड विच इज लेफ्ट ओवर, सो वी डोंट यूज द रिसाइकल फूड। और क्या क्या मतलब और कितना पूरा वीक चालू रहता है? 7 डेज हम लोग वी सर ओनली द लंच एंड डिनर। लंच पर टाइमिंग इज 11 to 4:30 एंड द डिनर टाइमिंग इज 7 to 11 वी सर ऑन 7 डेज। एंड व्हाट इज द पर कॉस्ट ऑफ द पर थाली? एज ऑफ नाउ वी सर द थाली जो है 85 रुपीज़ एंड इफ यू टेक ए पार्सल इट विल कॉस्ट यू 95 रुपीज़। नरेश शेट्टी जिनको हम प्यार से नरेश आना बोलते हैं, जिन्होंने हमें इस होटल के बारे में बताया, इसके बाद फूड के बारे में बताया और मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने इतना कीमती समय देके हमें इस चीज़ के बारे इस होटल के बारे में इंट्रोडक्शन दिया। तो थैंक यू वेरी मच नरेश अन्ना। तो आइए देखते हैं और इसमें क्या क्या फूड है और ये कैसे काम करता है, कैसे होता है, देखते हैं। ठीक है,
जैसा कि बताया कि हमने आज जीवन बोटिंग के फूड के बारे में देखा, वन ऑफ द बेस्ट एंड टेस्टी फूड, और इन्हें बनाने वाले बहुत सारे कर्मचारी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जीवन बोटिंग को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे काम करते हैं। मेरे सामने खड़े एक मिसाल खड़े हैं सर, आप बताइए यहाँ पे आपने कितना करने में 22 साल तक काम किया साथ में, ऐसे यही काम करना काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो जीवन बोटा तो 22 साल हो गया, लेकिन ये फील्ड में इनको 30 या 36 साल हो गए, बराबर है। और इन्होंने अभी तक बहुत ही ये यहाँ का कुक है जो कि जीवन बोटिंग में बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं। यहाँ पे सभी लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से अपना अपना योगदान दिया है और जीवन बोटिंग को चेंबूर में बहुत ही फेमस कराया है, तो मैं इन सभी लोगों का आभारी हूँ, खास करके नरेश अन्ना का भी जिन्होंने हमें मौका दिया इस टेस्टी फूड को इंट्रोड्यूस करने का। ठीक है, तो मेरा बस यही लोगों से मनोकामना है कि भाई आइए यहाँ पे और चेंबूर में वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट साउथ इंडियन डिशेज का आनंद लीजिएगा जो कि जीवन बोर्डिंग में मिलता है। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी लोगों के लिए मंगल कामना करते हुए मैं हेमंत सूर आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।